हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਵਲੌਗ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਕੈਂਟ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਗਾਈਸ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਗਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਬੁਲਨ ਕਾ ਮਿਲਾ। ਚਲੋ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਚਲਾ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ, ਰਾਤ ਕੋ ਲੇਟ ਹੀ ਆਏ ਥੇ ਐਂਡ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੇ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥਾ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਕਾ, ਉਨਕੀ ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਅਭੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਵਹਾ ਲੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਸੇ ਆਇਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 10:30 ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ। ਗਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਅਭੀ ਹਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ ਰੈਡੀ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈਂ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈਂ। ਅਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ, ਮੰਮਾ, ਪਾਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪਹਿਨਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਾਓ, ਓਕੇ, ਰੈਡੀ, ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਚਲਤੇ ਹੈਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। पहुंचे हैं सतवारी, तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में शायद हम पहुंच गए हैं। तक बारात नहीं आई है, 10:30 का टाइम था, बट 11:30 हो गया। एक्चुअली पठानकोट से आनी आनी भी दूर से है, तो मम्मा पापा भी, चलो फिर चलते हैं अंदर। यहाँ जहाज बैठते हैं, पता है मैंने, जहाज बैठते हैं, एयरपोर्ट है साथ में। तो मामी बड़े प्यारे लग रहे हो, पर आंटी ने स्पेशली क्या है, व्लॉग बनाना है, है ना? सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो गाइस, खुद फरमाइश करते हैं कि हमें भी लो ब्लॉग में। अभी बारात आनी है तो फिर वेट कर रहे हैं। मम्मा किस आएगी बारात? बारात यार दूर की है, पठानकोट की, तो टाइम करके टाइम लगता है, ऊपर जाम बड़ा लगता है, कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। बाहर आके बैठ गई, क्योंकि बारात आने वाली है, तो मैं बोला चलो यहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर। अभी गुरशीन भी आने वाली है, मासी भी आने वाले हैं, गुरनूर सिंह भी आया गया, इस गुरशीन कौर और गुरनूर सिंह आए हैं। हाँ, व्लॉग में आ रहे हो। हेलो हेलो, बच्चे ही बच्चे इधर। हेलो, पापा को लगा दिए पाजी लिखन दे काम बीच, कहते पैसे मांग रही थी। बारात आ गई है गाइस, लेट हो गई क्योंकि दूर से आई है। हेलो गिनी भैया, क्या हुआ आपको, बुखार? टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, बाकी लुक चेक करो, क्या बात है, पापा तो कोई मुकाबला है, कुड़ियाँ नहीं कर सकती है पापा का मुकाबला। हैव टाइम, यू कैन टेक माय वीडियो, बट आई डोंट हैव टाइम टू स्पीक एनीथिंग। देखो पाजी लिखन लगे, साड़ी ड्यूटी लग गई है, इतने जा रही है लेडीज से, जेंट्स भी उठ के चल गए। खा लेते हैं फिर गुरुद्वारा साहब भी चलेंगे, एंड हले तो मिलनी उधर हो रही है। चलो, भूख लगी है बड़ी जबरदस्त, मैं क्या, चलो थोड़ा ना खा पी लेंगे। सब खाया हुआ हजम भी तो करें, थोड़ा जल जीरा खिला दो यार, गर्मी में तो यही सबसे सही है, पुदीने वाला हजम सब चाहे जब। गुरुद्वारा साहिब, मामू और पापा भी इधर ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कैसे जाना है गुरुद्वारा साहिब। गड्डियां अजीब तरीके से फंसी हुई है इधर उधर, ठीक है, गुरुद्वारा ही है, आगे तो नहीं है। चलो तो भी पहुंच गए, थोड़ा सा ही रह गया आगे। हजूरी आ गए गाइस, हर बैठ
बाहर खाने आंटी? आ गए गुरुद्वारा साहब तू वापिस, चलो अंदर चलते हैं। अभी ब्रेकफास्ट करके गए थे, अभी लंच करना पड़ेगा। अभी स्टॉल्स एंड लंच वगैरह करने लग गए हैं क्योंकि फिर घर भी जाना है। टाइम ऑलरेडी 3:30 होने लगा है। ठीक लग रहा है, हर ब्याह से पापा की अपनी ड्यूटी लगती है। लोग और नहीं कुछ खाया जाएगा बस। पापा भी करने गए तो हम सोच रहे हैं कि चलो अंदर ही बैठ जाए थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे वापस। लंच हजम करने के लिए फिर से जल जीरा। हम तो पहले ही आ गए थे पर दूल्हा दुल्हन अभी आए हैं। आपको आवाज आ रही होगी, देख के तो निकल जाएंगे गाइस घर के लिए, घर सीधे के लिए घर में। बस गाइस अभी हो गया सारा यहाँ से काम जाम, अभी निकलेंगे घर के लिए, पहले मासी को ड्रॉप करेंगे। टोटल वगैरह कर रहे थे तो अभी चलेंगे वापस। यहाँ से निकल रहे हैं। ओ यार थक गई, मेरे को नींद आई क्योंकि मैं रात को भी लेट आई थी ना, तो मेरे को नींद भी अच्छे से नहीं आई। अर्शी रात ही खांसी लगी सी, फिर वो रुक ही नहीं रही सी, फिर 3-4 घंटे उठे दे रहे हैं। तो बस घर जाऊंगी, चेंज चेंज करके सोना है मैं 1-2 घंटे यार। दिया ड्रॉप, अभी चलेंगे घर वापिस, बस पहुंचने वाले हैं। एंड थक गए यार, नींद जो आ रही है ना बता नहीं सकते, इतनी जोर से नींद आ रही है। बस पहुंचे घर जल्दी जल्दी, पहुंच गए ऑलमोस्ट। आगे पता नहीं कौन स्कूटी लगा चल गया था। स्कूटी लोग ऐसे खड़े करते हैं, इसने सड़क के बीच में हॉरिजॉन्टली खड़ी की है। लोग भी यार अजीब अजीब नमूने धरती से भी क्या कर सकते हैं। इसे स्कूटी खड़ी की हुई है, देखो देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली सड़क के बीच में, और कोई आ भी नहीं रहा, गेट भी नहीं कोई खोल रहा। सीधी करने लोग लगाएंगे, ऊपर से कोई आ भी नहीं रहा, हम इतना हॉर्न कर रहे हैं, कोई गेट कोई निकल ही नहीं रहा बाहर की। हाँ भाई स्कूटी है, किसने गलत खड़ी की है। वो कैसे मजे से हुई है। हाय दीदी, इसको बेचारे को खांसी लगी ना रात को। दीदी ठीक हो आप? हाँ जैसे पहुंच गए वापस। एंड यार थकावट हो गई है, पता नहीं क्या चक्कर है। एक्चुअली मैं शायद वो 1-2 दिन से लगी हुई ना इधर उधर, इसीलिए हूँ कल 2 दिन किते नहीं जाना थे, मैं बैठ के काम करना है जिना मेरा पेंडिंग काम है, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर 3 दिन मेरे को इकट्ठे जाना पड़ेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, तो बाद में मिलते हैं जैसा भी रहता है। सो गाइज मैंने आपको बोला था कि अब 2 दिन मैं कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन ये देखो मेरे कपड़े प्रेस हैं। अभी अभी यार कपड़े प्रेस किए बस, एक्चुअली एक जगह पार्ट है तो माँ बोलते हैं चल, बहुत बारी फ़ोन भी आ गया तो वो बुला रहे थे, तो मैंने लगा चलो यार एक और दिन चले जाते हैं, तो व्लॉग शायद मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, सबने आयरन किए देख सकते हो आप। तो हमारे घर में ऐसे होता है जहाँ अगर सुबह जाना होता है, चाहे लेट भी जाना हो ना, पहले दिन कपड़े प्रेस हो जाते हैं उससे पहली रात को, क्योंकि सुबह लाइट का पता नहीं होता, आए ना आए कुछ भरोसा नहीं है। तो यार वही था, कुछ प्लान नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अब 2 दिन के ही नहीं जाऊँगी, काम करूँगी, बट फिर मम्मा बोलते चल कुछ नहीं होता, फिर इसलिए मैं जा रही हूँ। एंड गाइज आज का व्लॉग ही एंड करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो बस अभी सो जाऊँगी। यार ये निकाल के डालनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एकदम से, बारिश भी लगी हुई थी, और भी मोटे कपड़े निकाले हैं, बस धीरे धीरे अब वॉश करेंगे फिर उसके बाद पहनेंगे और क्या। तो आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आगे बहुत सारी शादियाँ, मेरे को सोच के ही ना ऐसे हो रहा है कि हाय इतनी शादियाँ कैसे वो करनी है। चलो जो भी आपको साथ में घुमाएंगे, ठीक है, एंजॉय करवाएंगे, तो ऐसे ही प्यार देते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। पहले खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।